माँ गोमती गौ सेवा समिति लगातार गौवंश की रक्षा के लिए तत्पर खड़ी रहती है। एक बार फिर पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर एक गौवंश के घायल होने की सूचना मिलने पर तत्काल समिति के सदस्यों ने जाकर रेस्क्यू किया और गौवंश को उपचार के लिए गौठान लेकर गए। माँ गोमती गौ सेवा समिति के संयोजक संजय साहू और उनकी टीम लगातार गौ रक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और सड़कों आदि पर घायल गौवंश का उपचार कर उनकी जान बचा रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रैफिक विभाग के आरक्षक विजय शर्मा के द्वारा संजय साहू को सूचना मिली कि पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर एक गौवंश घायल पड़ा हुआ है। वैसे ही तत्काल माँ गोमती गौ सेवा समिति के लोग अपनी वाहन से मौके पर पहुंचे और गौवंश को रेस्क्यू करके उसका प्राथमिक उपचार वहीं पर किया, फिर अपनी वाहन से उसे गौठान ले गए जहाँ पर इनका पूर्ण उपचार किया जाएगा जिससे उनकी जान बच पाएगी। माँ गोमती गौ सेवा समिति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शहर के कई प्रबुद्ध जनों का तकनीकी सहयोग प्राप्त हो रहा है। समिति को इन कार्यों में लगने वाले वाहन उमंग कुमार, जो एक निजी स्कूल के संचालक है, उनके द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है और यातायात विभाग के आरक्षक विजय शर्मा सहित अन्य और भी प्रबुद्ध जनों का विशेष सहयोग प्राप्त होता रहता है, परंतु अब तक इस समिति को किसी भी प्रकार का शासकीय सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ दानदाता गौवंशों के लिए हरे और सूखे चारे का बंदोबस्त करवा देते हैं, परंतु गौवंश के उपचार में लगने वाली दवाइयों का खर्च समिति के सदस्य स्वयं वहन करते हैं। समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर समिति के संरक्षक संजय साहू, यातायात विभाग के आरक्षक विजय शर्मा एवं गौ सेवक राजेंद्र ताम्रकार ने न्यूज टीम को जानकारी दी है। मेरा कुछ सेवा भावना है, कोई भी जानवर है, गौ माता है, कुत्ते हैं, है ना, जो तकलीफ होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो पहले मैं विजय शर्मा जी को ट्रैफिक में है उनको ही फ़ोन करता हूँ और हमेशा उपलब्ध रहते हैं शर्मा जी, उनके माध्यम से मैं ये सब काम कर रहा हूँ मैं, नहीं तो संभव नहीं हो पाता ये कार्य। ये एक बछिया है, गाय, वो ट्रेन से टकरा गई वो, और ये रात में ये हुआ ये केस, तो हमें ये चाय वाले रोशन हैं और कुछ भाई लोग हैं, उन्हें फ़ोन किए कि भैया इसको कहीं के इलाज के लिए उन्होंने कहीं भर्ती करवा दे, किसी बुलवा दो ताकि ट्रीटमेंट हो सके और बच जाए गौ माता करके। तो शर्मा जी को, विजय शर्मा जी को मैंने फ़ोन किया तो तत्काल आए वो, और इंदू आईटी के जो गाड़ी है संजय साहू जी, उनको लेके आए, अभी रवाना हुए हैं गाय को लेके, वो ठीक हो जाएंगे बता रहे हैं वो। नहीं, बैरिकेड लगा था, उसको किसी ने निकाल दिया लोगों ने, वहाँ टूटा हुआ है, वहाँ से मतलब गैया जाती है, आदमी भी लोग आते जाते हैं वहाँ से, तो कहीं खतरा है, खतरनाक है सभी के लिए ये, क्योंकि बैरिकेड तो बंद करना चाहिए लगा के जगह को, जो खाली जगह उसको। मुझे राजेंद्र ताम्रकार जी ने फ़ोन किया कि इस तरीके से यहाँ गाय घायल हो गई है ट्रेन एक्सीडेंट में, तो फिर मैं बोला कि रुके, मैं तुरंत व्यवस्था करा रहा हूँ। मैं इनको बोला कि फ़ोटो भेज दो कम से कम मेरे को, कितनी चोट है, क्या है, कुछ दिख जाए मेरे को। फिर मैंने तुरंत संजय साहब को फ़ोन किया कि संजय भाई ऐसी ऐसी बात है करके, तो तुरंत फिर बोले हम लोग तुरंत आ रहे हैं करके, तो उसी को हम लोग व्यवस्था करके वो उसको आए, इंजेक्शन वगैरह लगाए जिससे दर्द कम हो, उसको ले गए हैं गौठान उन लोग। कुछ नहीं सर, सब लोगों का सहयोग रहता है सर, मैं क्या करता हूँ। समाज में ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना जो निस्वार्थ होकर ऐसे कार्य के लिए आगे आए, वैसे लोगों को मैं संजय साहू लोग से, इन लोगों का तालमेल आपस में बैठा के और सेवा करता हूँ। देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ, मैं मात्र एक माध्यम हूँ। आम जनता से ये अपील है कि अगर गाय पाल रहे हैं कम से कम अपने घर में बांध के रखें, या अगर बाहर चरने के लिए छोड़ रहे हैं तो कम से कम उस पर नज़र रखें, कहाँ जा रही है गाय, क्या हो रहा है। जब तो बताइए ना, पटरी में कभी रोड में गाय घायल हो जाती है, तो ये सब चीज़ों को कौन ध्यान देगा। यातायात के विजय शर्मा जी हैं, राजेंद्र ताम्रकार भैया हैं, इनके द्वारा सूचना मिला था तो तत्काल हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं और गाय को पटरी से उठा के ला के गाड़ी पर रखा गया है। अभी फिलहाल तो उसका प्राथमिक फर्स्ट एड हो गया, दर्द का और सबका इंजेक्शन उनको दे दिया गया है, आगे और जाके उसको फिर गौशाला में ले जाकर उपचार करेंगे उसको। तो समय लगता है इनका उपचार में, बहुत समय लगता है उनको ठीक होने में, गौवंश को समय बहुत लगता है। वाहन इंदू आईटी स्कूल के संचालक संजय उमंग जी के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है, उससे बहुत गौ सेवा में बहुत सहायता मिलती है हमको का, आर्थिक है, हर तरफ से हमारा बहुत सहयोग रहता है, मतलब एक हमारे हैंड है वो, उनके सहयोग के बिना तो बहुत मुश्किल था, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। माँ गोमती गौ सेवा समिति का गौवंश के प्रति अथाह प्रेम उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से साफ झलकता है और यही कारण है कि उन्हें पशु प्रेमियों का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिससे वह गौ रक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।